एडम कोल, सुपर किक्स, फिन बेलर एंड रॉड्रिक स्टॉन्ग एंड केरियन क्रॉस ने हरा दिया सैंटोस एस्कोबार को। और भी काफी सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में जो कि हुई है आज एनएक्सटी में। तो गाइज मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं रेसलिंग हिंदी न्यूज। चैनल पर नहीं हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज एनएक्सटी की किकऑफ होती है जॉनी गर्गानो वर्सेस डेक्स्टर लूमिस इन ए नॉन टाइटल मैच। और ये मैच की स्टार्टिंग होती है बड़ी अच्छे फेस से। इसके बाद डेक्स्टर लूमिस जॉनी गर्गानो दोनों ही एक दूसरे पे हार्ड हिटिंग मूव्स लगा रहे होते हैं। इसके बाद हमें क्लोज काउंट आउट भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एंड में यहाँ पर डेक्स्टर लूमिस हरा देते जॉनी गर्गानो को। तो लेट्स सी क्या आगे जाकर यहाँ पर डेक्स्टर लूमिस को एक टाइटल शॉट मिलता है फॉर द नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। इसके बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है, यहाँ पर ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स यहाँ पर बैक स्टेज अटैक करते हैं एमएसके को। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है लियोन रफ एंड टाइलर रस्ट का, लेकिन ये मैच स्टार्टिंग होने से पहले ही यहाँ पे स्क्वाट आ जाते हैं और यहाँ पर बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं लियोन रफ को। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है इयो शराय वर्सेस जोई स्टार्क, और ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच था। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोग ज़रूर इस मैच को जाके देखें, ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच था। और इस मैच की रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर इयो शराय ने हरा दिया जोई स्टार को। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर टॉनी स्ट्रॉम बाहर आते हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि वो कभी हरा नहीं पाएंगे टॉनी स्ट्रॉम को वन एंड वन। लेकिन इसके आंसर में इयो शराय बोलते हैं ही विल फेस विथ एनी वेयर एनी टाइम अगेंस्ट टॉनी स्ट्रॉम। तो लेट्स सी आगे चल के कब मैच होता है इन दोनों का। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है जाया ली वर्सेस कैसी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से जाया ली डोमिनेंस कर रही होती है इस मैच में और ये बहुत ही ज़बरदस्त अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैच के एंड में यहाँ पर रेफरी स्टॉपेज बुला लेती है और इस मैच को मिडिल में यहाँ पर ख़त्म करना पड़ता है। और इस मैच के एंड में यहाँ पर जाया ली यहाँ पर काइडन कार्टर को बोलते हैं कि शी इज नेक्स्ट। तो लेट्स सी जाया ली की डोमिनेंस नेक्स्ट वीक भी हमें देखने को मिलता है कि नहीं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलते हैं ग्रिजल्ड यंग वर्सेस ड्रेक मैवरिक एंड केलियन डेन, और ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच था। हाई फ्लाइंग मूव भी हमें देखने को मिले और काफ़ी देर तक बैक एंड फोर्थ देखने को मिले। और यहाँ पर केलियन डेन ने बहुत ही कमाल का एक सुप्लेक्स ट्राई किया था, लेकिन हमें मैच के एंड में यहाँ पर देखने को मिलते हैं ग्रिजल्ड यंग ने हरा दिया ड्रेक मैवरिक एंड केलियन डेन को। लेकिन यहाँ पर बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर इम्पीरियम बात कर रहे होते केलियन डेन से, और यहाँ पर इम्पीरियम केलियन ड्रेन को बोलते हैं कि ये केलियन ड्रेन एक टाइम पे एक मॉन्स्टर हुआ करते थे और अब उनमें वो नहीं दिखते हैं मॉन्स्टर। के बाद हमें मैच देखने को मिलता है केरियन क्रॉस वर्सेस सैंटोस एस्कोबार इन ए नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। एंड ओएमजी बहुत ही बढ़िया मैच था, क्या फास्ट पेस पे मैच स्टार्ट हुआ, दोनों में बहुत देर तक बैक एंड फोर्थ देखने को मिला, हमें क्लोज काउंट आउट के करीब भी जाते हुए दिखने को मिला। लेकिन यहाँ पे एंड में यहाँ पे केरियन क्रॉस हरा देते सैंटोस एस्कोबार को और इस मैच को यहाँ पे जीत जाते हैं। इसके बाद शो के मेन इवेंट में हमें एडम कोल देखने को मिलता है और यहाँ पर एडम कोल बाहर आते हैं और एडम कोल बोलते हैं कि उन्होंने इतने दिन से यहाँ पे केलियो रैली को अटैक किया था क्योंकि उनको केलियो रैली को आफ्टर अपॉर्चुनिटी मिल रहा था फॉर द एनएक्सटी टाइटल, जिससे कोल जेलस हो गए थे। लेकिन यहाँ पर कोल बोलते वो जरूर इसको फिक्स करने की ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पर तभी एडम कोल को इंटरप्ट करते हैं रॉड्रिक स्टॉन्ग, और यहाँ पर रॉड्रिक स्टॉन्ग बोलते हैं कि एडम कोल ने डिस्ट्रॉय कर द अनडिस्प्यूटेड एरा को। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जब बात कर रहे होते तभी यहाँ पर इंटरप्ट करते हैं फिन बैलर, और यहाँ पर फिन बैलर एडम कोल को अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम कोल फिर से उनको एक सुपर किक लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एंड में यहाँ पर एडम कोल रॉड्रिक स्टॉन्ग को बोलते ही इज सॉरी एंड उसके बाद उनको हक करते हैं। लेकिन यहाँ पे एंड में उनको एक लो ब्लो लगा देते हैं और एक सुपर किक लगा देते हैं रॉड्रिक स्टॉन्ग के ऊपर। ओएमजी मतलब अब रॉड्रिक स्टॉन्ग के ऊपर भी वो अपने हील टर्न कर चुके हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक जब केलो रैली वापस आएंगे तब हमें क्या देखने को मिलते हैं इन तीनों में, और ये फ्यूड कहाँ तक जाते हैं और कैसे बिल्डअप करते हैं WWE। तो यही थे आज की NXT की हाईलाइट्स। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।